अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ रेहानुल्ला। माय डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक हो और खैरियत से हो। आज एक और अहम लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। हाउ टू कैलकुलेट मटेरियल क्वांटिटी फॉर रोड एंड सिविल 3D। माय डियर व्यूअर, आज के लेक्चर में हम मटेरियल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे कि रोड के लिए हम मटेरियल क्वांटिटी किस तरह फाइंड कर सकते हैं। बाय द वे, अब सिविल 3D आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। मध्य व्यूअर, ये जो आपको नजर आता है ये क्रॉस सेक्शन है और इसके साथ ये वॉल्यूम टेबल है फॉर कट फिल के लिए। इसके साथ साथ रोडवे मटेरियल जिसमें पेव 1, पेव 2, बेस और सब बेस आते हैं और इसके साथ शोल्डर मटेरियल है, इसमें कर्व साइड वॉल और बेरियर आता है। तो इसके लिए हम वॉल्यूम टेबल किस तरह क्रिएट करेंगे, तो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। तो चलो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। माय डियर व्यूअर, यहां तक हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि रोड क्रॉस सेक्शन आपने किस तरह ड्रा करना है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अरे व्यूअर, तो इसके लिए सबसे पहले आपने सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ नीचे आना है, ठीक है। इसके बाद आपने ये क्वांटिटी टेकऑफ इस प्लस साइन पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन क्वांटिटी टेकऑफ क्राइटेरिया, इस प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ हम मटेरियल के नेम ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्वांटिटी टेकअप पे क्लिक करना है, देन राइट क्लिक ऑन न्यू। इसके बाद आपने इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है और यहाँ आपने नेम देना है। सबसे पहले हम अर्थवर्क क्रिएट करते हैं। इसके बाद आपने मटेरियल लिस्ट पे क्लिक करना है और यहां से आपने मटेरियल ऐड करना है, ऐड न्यू मटेरियल पे क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं कि मटेरियल नेम ऐड हो गया। और इसके बाद आपने क्वांटिटी टाइप ये चेंज करना है, ये अर्थवर्क्स करना है और यहां आपने सरफेस सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ सेलेक्ट सरफेस में एग्जिस्टिंग ग्राउंड पे क्लिक करना है, इसको ऐड करना है और इसके बाद यहाँ से आपने कॉरिडोर 1 को सेलेक्ट करना है, इसको भी आपने ऐड करना है और इस कॉरिडोर 1 को आपने कंपेयर करना है, ठीक है। इसके बाद आपने इफ लाइफ ही क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन ओके। तो अर्थवर्क आसान हो गया। इसके बाद आपने नेक्स्ट मटेरियल को ऐड करना है। ये आप देख सकते हैं कि अर्थवर्क यहाँ नजर आता है। इसके बाद आपने रोडवे मटेरियल ऐड करना है, अगेन इस पे क्लिक करना है, देन राइट क्लिक ऑन न्यू। यहां से आपने नेम देना है। रोडवे मटेरियल, इसके बाद आपने मटेरियल लिस्ट पे क्लिक करना है और यहां से आपने 4 मटेरियल्स को ऐड करना है, 1, 2, 3 एंड 4। और यहां आपने पेव 1 करना है, इसका नेम आपने चेंज करना है पेव 1, देन पेव 2। इसके बाद बेस है एंड देन सब बेस। और यहां क्वांटिटी टाइप आपने चेंज करना है क्योंकि ये स्ट्रक्चर में आता है,
इसके बाद डेटा टाइप आपने चेंज करना है, ये कॉरिडोर शेप आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने पे वन पे क्लिक करना है और यहां से आपने सेलेक्ट कॉरिडोर शेप, यहां से भी आपने पे वन सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपने एड पे क्लिक करना है। इसके बाद पे टू पे क्लिक करना है और यहां से पे टू सेलेक्ट करना है, देन एड, देन क्लिक ऑन बेस, यहां से बेस सेलेक्ट करना है, देन एड, इसके बाद सब बेस और यहां से सब बेस सेलेक्ट करना है, देन एड। इसके बाद आपने इफ लाइफ पे क्लिक करना है और ओके, तो रूट वे मटेरियल भी ऐड हो गया, इसमें पे वन पे टू बेस और सब बेस ये आता है। इसके बाद आपने ये आप देख सकते हैं रोडवे मटेरियल्स ये भी ऐड हो गया। इसके बाद आपने शोल्डर मटेरियल्स को ऐड करना है, ये आपने नेम देना है। शोल्डर मटेरियल, इसके बाद आपने इसको ऐड करना है। इसमें भी आपने तीन मटेरियल को ऐड करना है, इसमें कर पाता है इसके साथ साइड वॉल के और तीसरा जो है ना ये बैरियर है, ठीक है। यहाँ आपने नाम चेंज करना है, सबसे पहले आपने कर्व, इसके बाद साइड वॉल, देन बैरियर, इसके बाद आपने इफ लाइफ ही क्लिक करना है। सॉरी, ये क्वांटिटी टाइप आपने चेंज करना है, स्ट्रक्चर, डेटा टाइप आपने कॉरिडोर सेलेक्ट करना है, कॉरिडोर शेप, इसके बाद आपने कर्व पे क्लिक करना है और यहां से आपने सेलेक्ट कॉरिडोर शेप में कर्व सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने ऐड करना है, देन साइड वॉल, यहां से आपने साइड वॉल सेलेक्ट करना है एंड ऐड। इसके बाद बैरियर पे क्लिक करना है, यहां से आपने बैरियर सेलेक्ट करना है एंड ऐड। इसके बाद आपने इफ लाइफ पे क्लिक करना है और ओके। हमारे साथ ये तीनों मटेरियल ऐड हो गया। इसको मैं थोड़ा सा आपको क्रॉस सेक्शन में एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपकी माइंड क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने अर्थवर्क को ऐड किया, इसमें कटिंग और फिलिंग आता है। इसके बाद रोड वे मटेरियल में हमारे साथ ये पे वन आता है, पे टू, इसके साथ बेसी और सब बेस, ठीक है। इसके बाद हमने शोल्डर मटेरियल को ऐड किया, जिसमें थर्ड वॉल का आता है, इसके अलावा ये बैरियर आता है और कर्व आता है, ठीक है। जब मटेरियल ऐड हो जाए तो इसके बाद आपने इसको असाइन करना है, तो इसके लिए आपने इस लाइन पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन का मतलब ये कि एनी वन सिंपल लाइन पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद कंप्यूट मटेरियल पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन ओके। यहां से आपने सबसे पहले अर्थवर्क को ऐड किया, तो इसके लिए आपने अर्थवर्क सेलेक्ट करना है। यहां से आपने ऑब्जेक्ट नेम चेंज करना है, एग्जिस्टिंग ग्राउंड, कॉरिडोर वन के लिए आपने कॉरिडोर वन सेलेक्ट करना है, इसके बाद ओके, ये असाइन हो गया। इसके बाद आपने अगेन इस पे क्लिक करना है, यहां से आपने इंपोर्ट अनदर क्राइटेरिया इस पे क्लिक करो, यहां से आपने रोडवे मटेरियल सेलेक्ट करना है, देन ओके। यहां आपने इसमें चेंज करना है, पे वन के सामने आपने पे वन सेलेक्ट करना है, देन पे टू, देन बेस, और यहां आपने सब बेस सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है, ये टू मटेरियल
असाइन हो गया। इसके बाद आपने शोल्डर मटेरियल को असाइन करना है, अगेन आपने इंपोर्ट अनदर क्राइटेरिया पे क्लिक करना है, यहाँ से आपने शोल्डर मटेरियल सेलेक्ट करना है एंड ओके। यहाँ आपने ऑब्जेक्ट नेम चेंज करना है, कर्व के सामने आपने कर्व सेलेक्ट करना है, इसके बाद साइड वॉल के सामने साइड वॉल और बैरियर के सामने आपने बैरियर सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपने ओके करना है। यहाँ से आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज आर्टवर्क, इसके बाद नेक्स्ट रोडवे मटेरियल, थर्ड वन इज शोल्डर मटेरियल, देन क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। हमारे साथ मटेरियल असाइन हो गया। आप क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं, ये जो एज आपको नजर आता है ये मटेरियल है, ठीक है, ये असाइन हो गया क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है, सारे क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं एवरी क्रॉस सेक्शन के साथ इसका टेबल ड्रा करना चाहता हूँ, तो इसको किस तरह ड्रा करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आपने क्रॉस सेक्शन पे क्लिक करना है, एनी वन पे, देन राइट क्लिक, सॉरी सही सिलेक्ट नहीं हो गया, क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक, इसके बाद आपने सेक्शन व्यू ग्रुप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन सेक्शन व्यू और यहाँ आपने चेंज वॉल्यूम टेबल इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको ऐड करना है। सबसे पहले अर्थवर्क, ये जो अर्थवर्क है वो टोटल वॉल्यूम में आता है, तो इसके लिए टोटल वॉल्यूम सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है, और इसके बाद आपने ऐड करना है। इसके बाद रोडवे मटेरियल है तो मटेरियल में आता है, तो इसको भी ऐड करना है, ठीक है, ओके। और इसके बाद अनदर, ये भी मटेरियल में आता है, शोल्डर मटेरियल्स, इसको भी ऐड करना है और यहाँ से आपने चेंज करना है रोडवे मटेरियल और इसके बाद शोल्डर मटेरियल्स, ठीक है, और यहाँ से इसके फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं कि टेबल आपने किस तरह ड्रा करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैं वर्टिकल करता हूँ, जो आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने यह जो ये गैप है इसको जीरो जीरो करना है ताकि इसके सामने ड्रा हो जाए टेबल, क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके, अगेन क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। तो आप देख सकते हैं कि एवरी क्रॉस सेक्शन के साथ ये टेबल वॉल्यूम टेबल ड्रा हो गया, ठीक है, ये लोडिंग करता है तो ये आप देख सकते हैं कि एवरी क्रॉस सेक्शन के साथ ये टेबल वॉल्यूम टेबल मौजूद है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट वन जो है ना ये कट और फिल का टेबल है, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन के लिए जितना कटिंग और फिलिंग चाहिए तो इसका ये टेबल है और इसके साथ ये आप देख सकते हैं ये सेकंड वाला जो है ना ये रोडवे मटेरियल के लिए, इसमें पे वन आता है, पे टू है, इसके अलावा बेस है और सब बेस है, और थर्ड वन जो है ना ये शोल्डर मटेरियल है, कर्व है, इसके अलावा साइड वॉल के और बैरियर है, ठीक है, ये सबके सामने मौजूद है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं, ये जो टाइटल है, ठीक है, तो इसके लिए आपने इस पर क्लिक करना है, देन राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन एडिट टेबल स्टाइल पे क्लिक करो,
और यहां से आपने टाइटल टिक्स इसको आपने येलो करना है, देन ओके क्लिक ऑन अप्लाई, ओके ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये टाइटल चेंज हो गया। इसके लिए भी आपने इस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक, क्लिक ऑन एडिट टेबल स्टाइल, और यहाँ आपने टाइटल टेक्स्ट ऐसे कलर आपने चेंज करना है, ओके क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद मेरे व्यूअर्स, अगर आप इस क्रॉस सेक्शन से ये हैच रिमूव करना चाहते हैं तो भी आप रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये मटेरियल है ताकि हमें क्रॉस सेक्शन सही नज़र आ जाए। तो इसके लिए आपने क्रॉस सेक्शन पे क्लिक करना है, राइट क्लिक, क्लिक ऑन सेक्शन व्यू प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो, एंड क्लिक ऑन चेंज वॉल्यूम टेबल, मौजूद नहीं है। आपने यहाँ सेक्शन पे क्लिक करना है और यहां से ये सारा जो है ये अनचेक करना है, ठीक है। सिर्फ ये दो आपने छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग है और कॉरिडोर को शो करता है। इसके बाद आपने अप्लाई पे क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं कि ये रिमूव हो गया, ठीक है। ये है तो ये था आज का लेक्चर। माय डियर व्यूअर्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर टू प्लीज यू कमेंट्स मी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टेबल के बारे में पढ़ेंगे अगेन, कि इस टेबल को ड्राइंग के साथ आपने किस तरह शो करना है। फॉर एग्जांपल, ये जो टोटल वॉल्यूम ऑफ कट फील आता है, तो इसको आपने टोटल किस तरह एक टेबल में आपने शो करना है। इसके अलावा रोडवे मटेरियल और शोल्डर, तो इंशाल्लाह हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके साथ अगर ये टेबल फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए तो आपने इसको किस तरह क्रिएट करना है। इसके अलावा पीडीएफ में अगर चाहिए तो आपने किस तरह क्रिएट करना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्दी हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।